अनोखा पोस्ट। कहावत है कि अगर जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। इसे साबित कर दिया है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बौनहा के रहने वाले अबुलेश ने। बौनहा के रहने वाले अबुलेश को पिछले साल कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में लगा था कि जिंदगी अब ठहर जाएगी, क्योंकि नौकरी छूटने के बाद वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से अपने गृह जिला पश्चिम चंपारण लौट आए। घर लौटने के बाद अबुलेश को लगा था कि अब क्या होगा, लेकिन इनके हाथ में बल्ला बनाने का हुनर था जिसने आशा की एक उम्मीद छोड़ दी। और सिर्फ यहाँ पर हम बात अबुलेश की नहीं करेंगे, बल्कि अबुलेश के जैसे जितने भी बिहारी लॉकडाउन में आए और जिन्होंने अपने कल कारखाने खोल लिए, उन सब की जानकारी आज हम आपको देंगे। जी हाँ, बिल्कुल, इसलिए क्योंकि बिहार अब दूसरे राज्यों से कम्पीट कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, क्योंकि जब बिहार और बिहार के लोग जब अपनी खुद की कंपनी खोलने लगेंगे तो जाहिर है कि हम कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से अपनी तुलना करने लगेंगे। अबुलेश के हाथ में बल्ला बनाने का हुनर था और आशा भी, तो उम्मीद था कि कुछ अच्छा होगा। वहीं लॉकडाउन के दौरान जब अबुलेश यहां लौटे तो उनके हुनर को जिला प्रशासन ने पहचाना और अब तो उनके द्वारा यहां बनाए गए कश्मीरी विलो बैट की मांग अन्य शहरों में होने लगी है। लोगों को प्रेरणा देती है ये कहानी, केवल अबुलेश की नहीं, क्योंकि जिले में और भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। अनंतनाग में बल्ला बनाने का काम करते थे अबुलेश और आज वो भी अपने गृह जिला में मजदूर से उद्यमी बन गए हैं। लेकिन इन हुनरमंदों के लिए सफर इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हाथ में हुनर के साथ साथ अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बिहार में मदद की आवश्यकता थी। जिला प्रशासन ने इन्हें मदद करने की ठानी और बैट बनाने में उपयोग होने वाली प्रारंभिक मशीनों और औजारों को उपलब्ध करा दिया। जी हाँ, इधर पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी ने बताया कि इन लोगों को बल्ला बनाने के लिए बेसिक सामान, मशीन और औजार उन्हें जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दिया गया तथा बैंक द्वारा ऋण भी दिलवा दिया गया, यानी कि लोन। अब ये खुद काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हुनरमंद कारीगर पहले अनंतनाग में बल्ला बनाने का ही काम करते थे। साथ में जिलाधिकारी बताते हैं कि अब तक अबुलेश 1600 बैट बना चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अभी भी यहां बैट बनाने वाले लोगों के पास 2500 बैट के ऑर्डर पड़े हुए हैं। इनके बनाए बैट के लिए कई कंपनी भी खरीदने को इच्छुक हो रही है, जिससे बातचीत चल रही है। अगर ऐसा ही रहा तो आप सोच सकते हैं कि हमारा बिहार कितनी तरक्की कर सकता है, भले वो बैट बनाने की बात हो। हम दूसरे पहलू पे भी जाएंगे, मगर पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि अगर आपके हाथ में हुनर है और अगर आपको किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो वाकई आप भी छलांग लगा सकते हैं। क्योंकि बिहारियों में हुनर है, सिर्फ उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत है, एक छलांग की जरूरत है, फिर वो दिखाएंगे कि दुनिया उनके आगे कैसे झुकती है। इन हुनरमंदों के काम से प्रसन्न होकर जिलाधिकारी ने कहा कि कई अन्य तरह के भी बल्ले बना रहे हैं। जिलाधिकारी ने हौसला दिया है, कोरोना के कारण ठीक एक साल पहले लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में प्रवासी मजदूरों का दर्द का गवाह पूरा देश बना था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग अपने गांवों तक हजारों किलोमीटर का मुश्किल रास्ता तय करके पहुंचे थे। कोई पैदल ही बीवी बच्चों और बुजुर्गों के साथ, तो कोई हजारों किलोमीटर की सफर पर निकल पड़ा था। ऐसे ही लोगों पर यहां के जिलाधिकारी कुंदन कुमार की नजर पड़ी थी और उनसे बातचीत कर हुनरमंद मजदूरों को उन्होंने पहचान लिया था। फिर क्या था, जो हुनरमंद सूरत में साड़ी बना सकते थे, कश्मीर में बल्ला बना सकते थे, तो क्या बिहार में भी ये काम नहीं कर सकते थे? इसी सोच के साथ जिलाधिकारी ने उन्हें रोजगार देने को ठान लिया और चनपटिया में स्टार्टअप जोन की शुरुआत कर दी। जी हाँ, आज से कुछ महीने पहले जब पूरा देश जिंदगी जीने की जंग लड़ रहा था, उस दौर में इस पश्चिम चंपारण में आपदा को अवसर में बदलने का काम चल रहा था। कोरोना के कारण आज दूसरे राज्यों में मजदूरी करने वाले लोग अपने घर में उद्यमी बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इनकी प्रशंसा की थी। इस सफर के बारे में जिलाधिकारी बताते हैं कि क्वारंटीन सेंटर में स्किल मैपिंग का काम चलाया गया और स्किल की पहचान की गई। क्वारंटीन सेंटर से ऐसे ऐसे हुनरमंद लोग सामने आने लगे जो आज तक दूसरे राज्यों के लिए सिर्फ काम कर रहे थे, वहां के विकास में भागीदार बन रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने सभी को उनके हुनर के मुताबिक काम करने की छूट दी, उन्हें बैंकों से लोन दिलवाया और फिर जगह देकर उन्हें मजदूर से मालिक बना दिया। जिलाधिकारी गर्व से कहते हैं कि अब यहाँ के बने कपड़े लेह लद्दाख के साथ साथ कोलकाता भी जा रहे हैं, साथ ही यहाँ के बने जैकेट स्पेन और बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रारंभिक दौर में उद्यमी की एक परेशानी कम करने के लिए एक उद्यमी पर एक अधिकारी को लगाया गया था। लोगों का मेहनत का नतीजा देखिए, चनपटिया का स्टार्टअप जोन आज अन्य जिलों के लिए नजीर बन चुका है। चनपटिया का स्टार्टअप जोन से प्रभावित होकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पहुंचे थे।
तो वहीं नव प्रवर्तन योजना के तहत नव प्रवर्तन स्टार्टअप जोन की चनपटिया में शुरुआत की गई और रेडीमेड गारमेंट्स के उद्योग भी लगाए गए हैं। वहां उन्होंने कहा कि मजदूरों के बनाए गए कपड़े, साड़ी, लहंगा, जीन्स, पैंट, जैकेट, शर्ट, लेगिंग्स, ब्लेजर, बल्ला, पता नहीं और क्या क्या चीजें बिहार के लोगों ने बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि हम वो काम कर सकते हैं, हम खुद मालिक बन सकते हैं जिस काम के लिए हम मजदूर बनकर हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं। लेकिन यहाँ काम करने वाले लोग मांग के मुताबिक आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी डिमांड बहुत ज्यादा है और अभी काम करने वाले लोग कम हैं। जब धीरे धीरे लोगों का चेन बढ़ेगा, जब ऐसे वीडियोस बिहारी लोगों तक पहुंचेंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि हाँ बिहार में इन जगहों पे लोगों की जरूरत है, काम चल रहा है, वहां काम मिलेगा तो लोग पहुंचेंगे। हमारा एक सीधा सा बहुत ही सटीक नजरिया ये होता है कि हम बिहारियों तक ये पहुंचा सके कि यहाँ पर काम की जरूरत है, काम करने वाले लोगों की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि हमारा बिहार खुद अपने कदमों पर खड़ा हो सके और इसी के लिए मैं हमेशा मेहनत करता रहता हूँ। वहीं जिलाधिकारी ने यह भी कहा था कि 8000 स्वेटर के ऑर्डर अभी भी आ चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि 6 महीने में यहाँ के लोग 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार कर चुके हैं और कई जिंदगियों को बदल चुके हैं। कल तक मजदूर कहलाने वाले आज उद्यमी बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी की इस पहल को अगर बिहार के अन्य क्षेत्रों को में भी अपनाया जाए तो न केवल राज्य के पलायन को कम किया जा सकता है बल्कि लोकल फॉर वोकल के नारे को भी बिहार में काफी हद तक सफल किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेरे वीडियोस को देखना शुरू कीजिए और हमारे साथ जुड़िए ताकि हमारा बिहार एक दिन खड़ा हो सके और हम सब बिहारी गर्व से कहें ये हमारा बिहार है। दोस्तों अभी हम आए हैं बेतिया में और बेतिया के चनपटिया गांव में यहां पर उद्योग लगा है, गारमेंट उद्योग, जो कि अभी बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। और इसकी सबसे मुख्य बात यह है कि जो लोग कोरोना काल में लौट के अपने गांव आए थे उनके लिए यहां पर उद्योग लगाया गया।